किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने ये धरना दिया है यहाँ पर? हमने आज ये धरना यहाँ पे है राजस्थान सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की जो पुनर्वास योजना थी उसमें 7 दिसंबर 2022 को एक परिपत्र जारी करके उसमें जो छेड़खानी की गई थी उस संदर्भ में हमने ये राजस्थान सरकार के खिलाफ ये धरना दिया है। उस परिपत्र में इन्होंने किया क्या है कि जो हमारी पुनर्वास योजना जो चली आ रही थी उसको इन्होंने जो है जातियों में बांट दिया है। हमारा भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास योजना का जो रिजर्वेशन था वो वर्टिकल था, उसको इन्होंने हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज जातियों में बांट दिया। उसकी वजह से हमें नुकसान ये हुआ कि जितनी सीटें जो हमारे को मिलनी चाहिए थी वो रिड्यूस होकर काफ़ी कम हो गई है। RS की वैकेंसी के मैं आपको बताता हूँ, 905 में से हमारे लिए स्टेट सर्विसेज में 5% का भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रोविजन है, उसकी हमारी जो है 905 में से 45 सीट होनी चाहिए वो रिड्यूस करके इन्होंने 23 कर दी है, उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस वजह हम सरकार से विरोध जताना चाह रहे हैं कि हमारी पुनर्वास योजना में कोई छेड़खानी नहीं की जाए और हमें सैनिकों को जातियों में नहीं बांटा जाए, क्योंकि सैनिक इस देश की धरोहर होती है, राष्ट्र की धरोहर होती है। सैनिकों का जो पुनर्वास योजना का प्रोग्राम जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि एक सैनिक को एक विशेष सेवा अति विशिष्ट सेवा करनी पड़ती है, इस वजह से उसको कम उम्र में वो आ जाता है, 35 से 40 साल के बीच में वो रिटायर होता है। उसके बाकी बचे हुए जीवन के लिए उसकी आजीविका को चलाने के लिए जब तक आदमी सुपर यूनिट एज तक नहीं चले जाता है तब तक उसको जो है ये पुनर्वास योजना दी गई थी, लेकिन सरकार ने एक ऐसी चाल चल के हमारी उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। जबकि ये सर्वविदित है कि सैनिकों का जो पुनर्वास योजना का जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक आधार पर नहीं है, वो सोशली बैकवर्ड पे भी नहीं है, वो एजुकेशनली बैकवर्ड पे भी नहीं है, वो सिर्फ एक सैनिक होने की वजह से है। इसलिए हमारी सरकार से ये निवेदन है और हमारी सरकार से ये मांग है, हमने संवैधानिक वे में इस बारे में हम जो है 14 नवंबर से ये लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि हमारे इस मामले में कोई छेड़खानी नहीं की जाए, सरकार तुरंत प्रभाव से इसको निष्क्रिय करे। इसके साथ ही हमने हमारे इस मामले में कुछ और मांगे जो हैं हमारी है, जैसे वन रक्षक भर्ती की थी, उसमें जो है वन रक्षक भर्ती में इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड जो नए लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्र 18 से 25 साल होती है और हमारे भूतपूर्व सैनिक की उम्र 45 से 50 साल होती है, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड एक नहीं हो सकता। सेनाओं में भी फिजिकल स्टैंडर्ड उम्र के मुताबिक होता है, तो उसको हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड को तुरंत प्रभाव से रिलैक्स किया जाए। इसी क्रम में हमारी दूसरी मांग है कि जो हमारे जो सैनिक हैं जिनके 3 बच्चे हैं वो भारतीय सेना में सेवा कर रहे थे, 20 साल करके आए, 25 साल करके आए, जब वो सेना में भर्ती हुए थे ऐसा सेना में कोई क्रिटेरिया नहीं था, लेकिन आज की डेट में राजस्थान सरकार हमको ये कह रही है कि जो है आपको 3 बच्चे वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम तो भूतपूर्व सैनिक हैं, ऐसा कोई क्रिटेरिया है नहीं। और जो चीज़ आज आप लागू कर रहे थे बच्चे तो 20 या 25 साल पहले लागू हुए थे, और इसी क्रम में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को आपने रिलैक्सेशन दे रखा है, विधवाओं को आप 3 बच्चों वाली को दे रहे हो, तो भूतपूर्व सैनिक को क्यों नहीं देंगे? ये भी हमारी सरकार से एक मुख्य मांग है। और हमारी और अगली मांग यह है कि राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों को दोहरा लाभ देती है, दोहरा लाभ हमें भूतपूर्व सैनिकों को भी दिया जाए, ये हमारे कैरियर एनहांसमेंट के चांस बंद करने वाली बात है, तो सरकार से हमारी मांग है कि हम भूतपूर्व सैनिकों को दोहरा लाभ दिया जाए। हमारी अगली मांग है कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये विकट परिस्थितियों में और बहुत ही क्रिटिकल जहाँ पे 52 डिग्री में टेम्परेचर में आदमी जलने लग जाता है, -40 में हड्डियाँ गल जाती है, ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं तो हमारे लिए मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे भूतपूर्व सैनिकों का मिनिमम मार्क का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, हमारी भूतपूर्व सैनिकों की एक ही मेरिट होनी चाहिए जो भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ही भरी जाए। अगर हमारा बैकलॉग रहता है तो उसको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाए, और उसके बाद भी हमारा बैकलॉग रह जाता है तो भूतपूर्व सैनिक के बच्चों से उसको भरा जाए। तो ये हमारी सरकार से मुख्य मांगे हैं। अगर राज्य सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे आप क्या कदम उठाएं? अगर राज्य सरकार हमारी बातें नहीं मान रही है तो हमने पूरी अपनी योजना बनाई हुई है, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, हम उन्हीं का साथ देंगे जो हमारी जो है भूतपूर्व सैनिकों की मांगें पूरी करेंगे। और हम भूतपूर्व सैनिक अकेले नहीं हैं, राजस्थान में 4 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं। हमारा सरकार से प्रजातांत्रिक वे में निवेदन है, सरकार या तो हमारी बात मान ले नहीं तो हम वोट की जोड़ देंगे।